हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजीव शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरी देखना है, आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी न्यू वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख पाएंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। इसको समझने के लिए हम अपनी डेली लाइफ से एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। मान लीजिए मिल्क है, हम क्या करते हैं उसको फ्रिज में रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई, उसको प्रिजर्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा, जब ज़्यादा ठंडक होती है तो जितने भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होना बैक्टीरिया के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। हम क्या करेंगे, हमने मिल्क को फ्रिज में नहीं रखा, हमने कहाँ रख दिया, बाहर रख दिया रूम टेम्परेचर पर। अब क्या होगा, आप एक दो दिन बाद देखेंगे कि वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया होगा। हो जाता नहीं, हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। अभी केमिकल रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि कोई ना कोई उसमें प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब मान लीजिए इसमें एक और बात आपको समझनी पड़ेगी, इसमें कहीं ना कहीं केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज हुआ है, नहीं हुआ है? क्यों, पहले क्या था, मिल्क था, मिल्क से अब किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में। तो केमिकल चेंज कब होता है, जब कहीं ना कहीं न्यू प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब जैसे मान लीजिए मार्कर है मेरे पास, मैंने क्या किया, मार्कर को बीच में से कट कर दिया, तो क्या ये केमिकल चेंज हुआ, ये केमिकल चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना ना भाई, मार्कर के दो पीस हो गए, वो मार्कर तो वही रहा ना भाई, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, क्योंकि जो प्लास्टिक पहले थी वो भी अभी है। समझ रहे हो ना, तो ये केमिकल चेंज का एग्जांपल नहीं है। ओके, केमिकल चेंज की और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको बर्न कर दूं, अभी हम जला दें तो क्या बन जाएगा, इसकी ऐश बन जाएगी, यानी राख बन जाएगी, तो वो केमिकल चेंज का एग्जांपल है। तो हम कहेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आयरन की ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, वो एयर में और मॉइस्चर में एक्सपोज है, क्या होगा, जंग लग जाएगी, लगेगी नहीं लगेगी। अब उस कंडीशन में क्या हुआ, उसने जो आयरन की जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपर लेयर ने एक्सपोज जो हुई, जो लेयर, उसने एयर एंड मॉइस्चर से रिएक्शन की और रस्ट बन गई। ये भी एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, यानी वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुई है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझिए जरा, ध्यान से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। इस प्रोसेस में भी क्या हुआ भाई, हमने ली तो ऑक्सीजन और एक्सहेल क्या की, CO2, यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जा रही है, CO2 रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। यानी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। हम फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल भी ले सकते हैं, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर भी भाई क्या होता है, पेड़ पौधे अपने खाना बनाते हैं किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से, CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं जमीन से, मिनरल लेते हैं, और वो ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, केमिकल प्रोसेस का। यानी फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब हम समझते हैं एक्टिविटी 1.1, ये फर्स्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की। इस चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटी है हमें सारी समझनी है वन बाई वन, बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि हमें एक्टिविटी को मिस नहीं करना है। क्यों नहीं मिस करना, क्योंकि देखो केमिस्ट्री जो है वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, और जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे एक्टिविटी में दिए हुए हैं, तो हमें एक्टिविटी मिस नहीं करनी है, वो सारी यहाँ समझनी है। जितनी देखो अभी मैं जिस भी तरीके से आपको समझाऊँ, आप समझने की कोशिश करना, और आपके टीचर्स आपको लेबोरेटरी में जितने एक्सपेरिमेंट कराएंगे उससे भी आपको समझ में आएंगी। और उम्मीद है जहाँ पे मैं अभी मैं डिस्कस करूँगा तो मैं बताऊँगा कि क्या ऑब्जर्वेशन हुए, क्या हुआ, तो आपको ज़रूर उससे समझ में आएगा, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में क्या है, इस एक्टिविटी में एक मेटल लेना है हमें, मैग्नीशियम मेटल का रिबन लेना है, ठीक है। रिबन का मतलब उसका एक पीस लिया हमने। अब हमें क्या करना है, मैग्नीशियम मेटल का रिबन लिया, उसको हमको सैंड पेपर से साफ करना है। भाई साफ क्यों करना है, साफ इसीलिए करना है क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, जब ये एक्सपोज होता है एयर में
और मॉइस्चर में, तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्यों आ जाती है? क्योंकि इसकी अपर लेयर एयर से और वाटर से रिएक्शन करती है, यानी मॉइस्चर से रिएक्शन करती है, तो इसके बाद इसकी लेयर आ जाती है। अब हमें जब रिएक्शन हमें करनी है, हमें एक्टिविटी करनी है, हमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमें प्योर मैग्नीशियम चाहिए। लेकिन इसकी जो अपर लेयर है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सैंड पेपर से साफ करेंगे तो अपर लेयर इसकी हट जाएगी, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हट जाएगी और हमें क्या मिलेगा, प्योर मैग्नीशियम मेटल मिलेगा, जिससे हमारी रिएक्शन और एक्टिविटी अच्छी होगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? कई बार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया है कि वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, है कि नहीं? ये आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं वी शुड रब मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर टू गेट अ प्योर मैग्नीशियम मेटल। क्लियर है ना? टू रिमूव, ये भी लिख सकते हो, टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम मेटल। ओके, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब आपको क्या करना है, इस मैग्नीशियम रिबन को आपको बर्न करना है, किसमें, एयर में ही बर्न करना है। कैसे बनाएंगे फिगर, देखिए। अब इस फिगर के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमने क्या किया, मैग्नीशियम मेटल लिया, सैंड पेपर से साफ किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर थी वो हट गई, प्योर मैग्नीशियम मिला, हमने उसको एयर में बर्न किया। तो क्या हुआ कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, ये डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, यानी ब्राइट, बहुत ज्यादा चमकदार फ्लेम के साथ जलता है, और यहाँ पे व्हाइट कलर का पाउडर गिरने लगेगा जब ये जलेगा, यानी मैग्नीशियम से एक व्हाइट कलर का पाउडर बन गया। इस पाउडर को हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा है ना? ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम था, बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी केमिकल चेंज है कि नहीं? इनिशियल कंडीशन में मैग्नीशियम था, अब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये केमिकल प्रोसेस है, यानी केमिकल रिएक्शन है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब देखो, हम इसको बहुत अच्छे से वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस हुआ है, अगर मैं वर्ड इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस हुआ भाई, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसकी वर्ड इक्वेशन ये है। क्लियर है ना भाई? मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब ये जो इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन है, लेकिन वर्ड इक्वेशन बहुत ज्यादा लेंथी होती है। क्यों? क्योंकि देखो, मैग्नीशियम इतना बड़ा लिखा है हमने, अगर हम इसकी जगह ओनली Mg लिख दें तो ज्यादा सुइटेबल है कि नहीं भाई? ये लिखना सुइटेबल है या ये लिखना सुइटेबल है? ये लिखना सुइटेबल है, क्योंकि ये केवल सिंपल लिख गया। अब ऑक्सीजन के लिए हम इसका सिंपल लिख सकते हैं O2, भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, हम लिख सकते हैं MgO, यानी ये हो गई केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, फॉर्मूला एटसेट्रा। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ये हो गई क्या, केमिकल इक्वेशन। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या किया, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं, इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट और इसको हम कहेंगे क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसको बनाया, जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, और जो आपस में रिएक्शन करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है ना? दूसरी बात, एक और बात यहाँ पे समझने वाली है कि एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो, एरो से इधर जितने एटम हैं और एरो के इधर जितने एटम हैं, वो आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना जरूरी है। देखो जरा, चेक करते हैं कि बैलेंस है या नहीं है, देखना जरा ध्यान से समझना कि ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। एरो के इधर और इधर दोनों तरफ सेम होने चाहिए। क्लियर है ना? अभी हम इसको क्या कहेंगे, अभी हम कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस नहीं, बैलेंस हो जाएगी तो हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे बैलेंसिंग मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन बैलेंसिंग थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 1, आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगा दो। आप कहोगे सर हम यहाँ पे 2 लगा देते, तो नहीं लगा सकते, यहाँ पे लगाने से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है, अगर आपने लगा दिया फॉर्मूला यहाँ, तो फॉर्मूला बन जाएगा MgO2, यानी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसीलिए आपको केवल आगे लगाना है। अब आपने लगा दिया फॉर्मूला ऐसे ही रहा, केवल आपने आगे 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। अगर आपने यहाँ पे 2 लगाया है तो ऑक्सीजन भी 2 है और मैग्नीशियम भी 2 है। अब इधर देखिए, ऑक्सीजन तो 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन मैग्नीशियम इधर 2 हो गए, तो आपको इधर मैग्नीशियम पे भी 2 लगाना है।
देखिए अब ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करें। देखिए नाइन्थ क्लास में आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ क्या था? इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मैटर को बना सकते हैं और ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी जितना है उतना ही रहेगा, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ पे भी हमने वही किया ना भाई, जितने रिएक्टेंट थे उतने ही हमने प्रोडक्ट बना दिए, बस एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है। भाई जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर होंगे उतने उधर रहने चाहिए, यानी मैटर जितना इधर है उतने ही मैटर उधर रहना चाहिए, वो हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते, बिल्कुल बैलेंस रहना चाहिए। हाँ ये है कि आप फॉर्म चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सेपरेट थे यहाँ पे कॉम्बाइन हो गए, क्लियर ना, ना रिएक्शन हो गई, लेकिन रहेंगे उतने ही, जितने एरो से इधर हैं एरो के उधर भी उतने ही रहेंगे। देखिए कई बार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई शुड अ केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड। आपको क्या लिखना है? बहुत ईजी सा वर्ड लिखना है, वी शुड बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई एक बात बताइए कि जो लॉ है उसको हमें वेरीफाई भी तो करना है ना भाई, उसी लॉ के हिसाब से तो हमें चलना है ना। तो अब लॉ के हिसाब से फुलफिल हो गया, नहीं हो गया वो लॉ, उस लॉ को भी वेरीफाई कर रहा है और हमारी रिएक्शन भी हो गई। समझ में आया ना? अब मुझे उम्मीद है आपको केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। देखिए मुझे बताना जरूर कि आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे समझ में आए, क्या क्या टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके देखिए अब हम समझते हैं एक्टिविटी 1.2, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है ये, ध्यान रखिएगा ये बहुत अच्छे से आपको समझनी है। आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये मैंने टेस्ट ट्यूब बनाई है 2, ठीक है। 1 टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है, सेकंड में क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये दोनों ही जो होते हैं ना वो दोनों ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्लियर है ना। कौन से होते हैं ये? ट्रांसपेरेंट, यानी ये भी ट्रांसपेरेंट होगी, ये भी ट्रांसपेरेंट होगी, यानी लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन भी ट्रांसपेरेंट होता है और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन भी ट्रांसपेरेंट होता है। अब होगा क्या, जैसे आप मिक्स करोगे तो जो मिक्सचर होगा उसमें येलो कलर का सब्सटेंस आपको दिखाई देने लगेगा, यानी केमिकल रिएक्शन हुई और ये ट्रांसपेरेंट से येलो कलर का सब्सटेंस इसमें बन जाएगा। अब केमिकल जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए ये केमिकल इक्वेशन लिख दी मैंने, ये जो रिएक्शन हुई। अच्छा एक बात बताइए, केमिकल रिएक्शन किस किस के बीच में हुई, यानी किस किस ने रिएक्शन की? भाई इसने रिएक्शन की और इसने रिएक्शन की, तो ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट क्या हो गए, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। दूसरा हो गया पोटेशियम आयोडाइड, मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब बना क्या क्या, जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो ये बनेगा और ये बनेगा। इसमें ये जो होता है ना, ये होता है येलो कलर का, ये ध्यान रखिएगा येलो कलर का लेड आयोडाइड होता है। ये कई क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा, जैसे हम कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि अ सब्सटेंस एक्स इज फॉर्मड विच इज येलो इन कलर, आपके माइंड में स्ट्राइक होगी ना कि येलो कलर का तो यार लेड आयोडाइड होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा उस टाइम पे कि येलो कलर का लेड आयोडाइड होता है, समझ गए ना अच्छे से, और ये बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में, क्लियर है ना। एक और बात मैंने आपको बताई, इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे येलो कलर के। देखिए प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, यानी किसी भी रिएक्शन में अगर इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बने तो हम उसको कहते हैं भाई प्रेसिपिटेट बना है। यानी जो आप मिक्स करोगे तो मिक्सचर में आपको जो येलो कलर के जो दिखेंगे सब्सटेंस वो सॉलिड होंगे और वो इनसॉल्युबल होंगे उस सॉल्यूशन में, क्लियर है ना, तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्मड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इजी सी डेफिनेशन हो गई। अब भाई कोई पूछे प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज फॉर्मड इन अ रिएक्शन, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। ये हो गया आपकी एक्टिविटी 1.2, क्लियर है ना। अब हम एक्टिविटी समझते हैं 1.3, ये है एक्टिविटी 1.3 का फिगर, ठीक है। इसमें क्या किया है हमने, क्या लिए, जिंक ग्रेनुल्स लिए, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है। अभी जरा हम समझते हैं कि यहाँ पे हमने जिंक ग्रेनुल्स क्यों लिखा है। जिंक ग्रेनुल्स का मतलब है जिंक के पीसेस, और इस ग्रेनुल्स का मतलब है ऐसे पीस जिनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब देखो कई बार एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि वाई ग्रेनुलेटेड जिंक इज यूज्ड इन रिएक्शन विद एसिड, भाई ग्रेनुलेटेड जिंक हम क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेनुलेटेड जिंक का एरिया ज्यादा होता है, ऐसे पीसेस जिनका एरिया ज्यादा होता है, इन ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा सरफेस एरिया सल्फ्यूरिक एसिड में एक्सपोज होगा
तो सरफेस पर रिएक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा सरफेस एरिया तो ज़्यादा रिएक्शन, क्लियर है ना। इसीलिए हम जिंक ग्रेनुअल्स लेते हैं, क्लियर है ना, टॉपिक समझ में आ रहा है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बेस क्लियर करने वाली बातें हैं, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे गैस निकलने लगेगी जो होगी हाइड्रोजन गैस। और ये जो है ना, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। आप हाथ लगा के देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा गर्म मालूम पड़ेगा, पहले गर्म नहीं था। जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, रिएक्शन हुई, तो क्या क्या होंगे, पहला ऑब्जर्वेशन गैस निकलेगी जो कि हाइड्रोजन गैस होगी, इसको हम पहचान भी सकते हैं, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है। और दूसरा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब ये जो ये केमिकल रिएक्शन हुई, इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा समझते हैं। ये केमिकल इक्वेशन है, देखो यहां पे किस किस की रिएक्शन हुई, जिंक की रिएक्शन हुई किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से हुई, तो जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, क्या बना, जिंक सल्फेट बनेगा, जो कि देखेगा नहीं लेकिन बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्लियर है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और देखिए जब भी हम एसिड यूज करेंगे ना, तो हम एसिड लेंगे डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड का मतलब ये होता है कि एसिड में वाटर मिक्स्ड है। इससे क्या होता है, एसिड अगर डाइल्यूट होता है ना, तो एसिड जो है ज्यादा फास्टर रेट से रिएक्शन करता है, क्लियर है ना, क्योंकि उसमें आयंस बन जाते हैं, क्लियर है ना। ये हो गया आपका एक्टिविटी 1.3। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है भाई, चेक कर लेते हैं ना एक बार, हाइड्रोजन कितने हैं इधर, 2, इधर भी 2, SO4 SO4, जिंक सिंगल यानी बैलेंस है। अच्छा आपने एक और बात नोटिस की, हमने जो अभी एक्टिविटी सेकेंड की थी उसमें जो केमिकल इक्वेशन लिखी थी वो हमने बैलेंस नहीं की है, चलिए उसको बैलेंस करते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कई सारे मेथड हैं, लेकिन हमारी जो 10th क्लास की बुक में जितनी भी केमिकल इक्वेशन है, हम उनको हीट एंड ट्रायल मेथड से बहुत इजीली उनको हम बैलेंस कर सकते हैं, बहुत इजी है बैलेंस करना भाई। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये होता है कि हम चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे 2 है तो हम आगे इधर 2 लगा देते हैं, उधर 3 है तो हम इधर 3 लगा देते हैं, तो लगा लगा के देखते हैं वैल्यूज को, एंड 2 लगाएं 3 लगाएं जिससे केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए, इस मेथड को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। और भी मेथड बहुत सारे हैं लेकिन मैं अभी इनको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बैलेंस करूंगा, जो कि इजीली बैलेंस हो भी जाती है, ठीक है। और बाकी अगर कोई अगर मेथड की बात करते हैं तो मैं आगे सेपरेट में वीडियोस की बना दूंगा, जिसमें और भी जो मेथड हैं उनको भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब एक बार चेक करते हैं कि देखिए एक बात बताइए, आयोडीन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे आयोडीन कितने हैं, 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे हमें लगाना है 2। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था ना आप यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते आई बनाने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आपको फॉर्मूला के आई ही रहने देना है, आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, आपको आगे ही वैल्यू लगानी है। अब देखो के कितने हो गए, 2, आई भी इधर 2 हो गए, यहाँ पे आई कितने हैं, 2, यानी ये तो बैलेंस हो गए। अब एक बात बताइए, इधर कितने हैं के, 1, इधर कितने हैं के, 2, यानी पोटेशियम इधर 2 है, इधर है 1, तो आपको इधर भी 2 लगाना है, समझ में आ रहा है ना। अब एक बात बताइए, NO3 पे क्या हो गया, ट्वाइस, NO3 पे भी यहाँ पे ट्वाइस लगा हुआ है, ब्रैकेट में है ना, तो ट्वाइस लगा हुआ है, यानी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो लेड कितने हैं, 1, यहाँ पे भी 1, यानी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, यानी एरो से इधर बैलेंस है, यानी जितने एटम्स इधर हैं उतने एटम्स इधर हैं, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। ये हो गई केमिकल इक्वेशन बैलेंस। देखिए अभी हमने 3 एक्टिविटीज समझी, एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2 एंड एक्टिविटी 1.3। इन 3 एक्टिविटीज में हमने कुछ ना कुछ चेंजेस देखे, यानी कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने देखे। क्या सेकंड एक्टिविटी में हमने देखा कि हमने ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन लिए किस किस के, लेड नाइट्रेट के और पोटेशियम आयोडाइड के, हमने मिक्स किया तो येलो कलर का सब्सटेंस बन गया, येलो कलर का कौन सा सब्सटेंस बन गया, लेड आयोडाइड का, है कि नहीं, तो वहां पे कलर का चेंज हुआ। इस वाली एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली, और क्या ऑब्जर्व किया, इसका टेम्परेचर रेज हो गया यानी टेम्परेचर बढ़ गया। तो देखिए ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशन से हम पता लगा सकते हैं, यानी ये ऑब्जर्वेशन हमें हेल्प करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई उसको डिटरमाइन करने के लिए। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए चेंज इन स्टेट हो रही है, कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट हुई है तो ये हमें हेल्प कराएगा डिटरमाइन करने में कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। अब जैसे सेकेंड एक्टिविटी देखी हमने, सेकेंड एक्टिविटी में क्या था, हमने इसको और इसको मिक्स किया, ये दोनों ट्रांसपेरेंट थे है कि नहीं, और दोनों लिक्विड की फॉर्म में थे, उसके बाद में ये बना प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में, तो यानी चेंज इन स्टेट हुई नहीं हुई भाई, लिक्विड थे दोनों, इससे सॉलिड बना, एक सॉल्यूशन रहा,
ये तो सॉलिड बना ना, तो चेंज इन स्टेट हुई, ये इसने हमें हेल्प की कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा है चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज हो रहा है किसी भी प्रोसेस में, अगर कलर चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर हमें हेल्प करेगा ये डिटरमाइन करने में कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे इसमें भी चेंज इन कलर हुआ, नहीं हुआ, दोनों ही ट्रांसपेरेंट थे, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन गए, यानी कलर भी चेंज हुआ, तो इससे हमें हेल्प मिली ये डिटरमाइन करने में कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, अगला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी भी प्रोसेस में गैस निकल रही है यानी गैस रिलीज हो रही है, तो ये हमें हेल्प करेगा ये डिटरमाइन करने में कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अगला है चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये भी हमें हेल्प करेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। अब देखो इस वाले केस में चेंज इन टेम्परेचर हुआ, नहीं हुआ, पहले कम था अब टेम्परेचर चेंज हुआ है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर किसी भी प्रोसेस में प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो वो भी हमें हेल्प करेंगे, ठीक है, किसमें, केमिकल रिएक्शन पहचानने में। तो ये थे सारे एग्जाम्पल्स जिससे हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। अब ये तो थे ऑब्जर्वेशंस जो हमें हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए, यानी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। अब हम एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे हम समझ जाएंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें हीट एंड ट्रायल। ये पेज नंबर 6 पर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड का फर्स्ट है और ये मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिया है। हम इन 3 इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे और हम समझेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये सेकंड का फर्स्ट है, वहां पर वर्ड इक्वेशन दी है, पेज नंबर 6 के सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, वो वर्ड इक्वेशन दी है, मैंने सिंबल की फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को लिख लिया है, ठीक है। अब जरा समझते हैं, देखो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, जितने LHS में हैं और RHS में हैं उनको इक्वल करना है। अब एक बात जरा देखिए भाई, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने क्लोरीन है 1, हम इधर लगा सकते हैं क्या, नहीं, हमें कहाँ लगाना है, आगे, हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो क्लोरीन कितने हो गए 2, आगे 2 लग रहा है ना, तो क्लोरीन कितने हो गए 2, साथ ही साथ ये हाइड्रोजन पे भी 2 माना जाएगा, तो हाइड्रोजन पे भी कितने हो गए 2, यानी इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और क्लोरीन भी 2, इधर क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन भी 2, यानी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत ईजी है, एक बार में केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई, क्लियर है ना। अब सेकेंड वाली देखते हैं, ठीक है। अब एक बार जरा देखिए, यहाँ पे बेरियम कितना है 1, यहाँ पे बेरियम भी 1 है, कोई जरूरत नहीं है कुछ लगाने की। क्लोरीन कितने हैं 2, क्लोरीन कितने हैं 1, हमें कहाँ लगाना है, आगे फॉर्मूले के बिल्कुल आगे लगाना है, क्लियर है ना। अब एक बात बताइए भाई, Na कितने हो गए, भाई क्लोरीन तो 2 हो गए, क्लोरीन इधर 2 है, बात बन गई, ठीक है। Na कितने हैं यानी सोडियम कितने हैं 2, सोडियम इधर भी 2 है, देखो सोडियम पे ये लगा हुआ है 2, अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो यानी सोडियम पे 2 है, सल्फर केवल 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं 4, इधर सल्फर भी 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो ये तो बैलेंस है, SO4 और SO4 तो बैलेंस है, बट सोडियम इधर कितने हैं 2, इधर भी हमारे 2 हैं, यानी केमिकल इक्वेशन हो गई बैलेंस, क्लियर है ना। अच्छा एक बात बताइए जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये Na2SO4 क्यों है, NaSO4 क्यों नहीं है, ये फॉर्मूला गलत क्यों है, ये वाला फॉर्मूला सही क्यों है, या BaCl2 यानी ये वाला फॉर्मूला सही क्यों है, BaCl मैंने लिख दिया तो ये वाला फॉर्मूला गलत क्यों है, आपको कोई ये वाला टॉपिक में डाउट तो नहीं है। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप एक मेरी वीडियो देखिए, ये एक्चुअली 9th क्लास का कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि हम फॉर्मूले कैसे लिखें, आपको समझ में आएगा कि ये वाला क्यों करेक्ट है, ये वाला क्यों इनकरेक्ट है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम फॉर्मूले ऐसे क्यों लिखते हैं, ये वाला क्यों गलत है, या फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली 9th क्लास का कंसेप्ट है तो मैंने वो सेपरेट वीडियो उसकी बना दी है, ठीक है, क्लियर है ना। ये चीज अब हम रफ कर देते हैं, अगर इसमें कोई डाउट है तो वाली वीडियो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब हम ये समझते हैं, ये वाली इक्वेशन को हम बैलेंस करके देखते हैं, क्लियर है। अब जरा देखें, यहाँ पे आयरन कितने हैं 3, यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, बैलेंस हो गया भाई, आयरन तो इधर बैलेंस हो गए ना, इधर 3 है, इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4, इधर कितने ऑक्सीजन 1, हम यहाँ पे 4 नहीं लगाएंगे, हम आगे 4 लगाएंगे, क्लियर है ना। अब ऑक्सीजन तो 4 हो गए, इधर 4 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन देखिए कितने हो गए, 4 2 8, क्लियर है ना, 4 2 8, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा 4। अब देखो समझ लेना मेरी बात को, अगर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, कितने हाइड्रोजन हो गए 4 2 8, क्लियर है ना, समझ में आ रही नहीं बारी बात, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए 8, ये वाली भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई,
क्लियर है ना, समझ लेना एक बात को। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे अगर Cl2 लिखा हुआ है कहीं, अगर मैंने 3 लगा दिया तो पता है क्लोरीन कितने हो गए, ये हो गए 6। इसका और इसका मल्टीपल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये Cl2 है और ऑलरेडी 3 लगे हुए हैं, तो यानी कितने हो गए क्लोरीन 6। ऐसे इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 8, ये समझाने के लिए मैंने ये लिखा था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक कहीं ना कहीं आपको जरूर क्लियर हुए होंगे। अब आगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये तो था फर्स्ट पार्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।